हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांग मैंने आज आम ओडिशा जीके ऊपर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा जे कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी। प्रत्येक क्वेश्चन रे आपण मानक किछि मु एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखी, से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपण मैंने नोट डाउन करके रखु, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट रहुची। देखो सांग मैंने ये कौन सी पर्टिकुलरली एग्जाम नुहे, ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। जदि भी आपण मानू यार पीडीएफ दरकार, आपण मैंने जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकी यार पीडीएफ टी को पाइपारे। ठीक अच्छे, देखो सांग मैंने जितेबले आपण मैंने पाठ पढ़ापी बसुँचे कौन करूँ ना, पाखे गोटे पा बोटल और गोटे खाता और गोटे कलम धरिकी बस पड़ू। जहाँ भी सब आपन को रिलेटेड क्वेश्चन कह सब आपण मैंने नोट डाउन करके रखिए। ठीक अच्छे, तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन टी आम आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन देखु, क्वेश्चन नंबर वन, व्हेयर इज द हॉट वाटर स्प्रिंग अतली इज लोकेटेड। देखु अतली गोटे कौन आपण मैंने कहे, ये हूँ गोटे हॉट स्प्रिंग, जे कि ये हॉट स्प्रिंगटा आमर ओडिशार के डिस्ट्रिक्ट अवस्थित। इमेज देखिक आपण मैंने जापारे अतली हॉट स्प्रिंग कौ टाइप रो। ठीक अच्छे, कहतु यहाँ कौ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ना, आपण मैंने कहे ऑप्शन बी खोर्धा। ठीक अच्छे, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जे कि आमर अटली नामक हॉट स्प्रिंगटा अवस्थित। अटली हूँ गोटे कौ टाइप ना स्प्रिंगटा ना, आपण मैंने कहे हॉट स्प्रिंग। ठीक अच्छे, जे कि अटली हूँ गोटे उष्म प्रश्रवण, ऑप्शन बी हो ठीक करेक्ट आंसर। तापर देखु क्वेश्चन टी पचार ओल्टई दब टे, आमर जो रहा कौन ना तप्त पा, मन रखु जहाँ कौच गोटे गोटे नोट करूँ। तप्त पा हूँ गोटे कौन ना, आपण मैंने कहे तप्त पा गोटे हूँ आमर हॉट स्प्रिंग, जे कि तप्त पाटा के अवस्थित ना, आपण मैंने कहे गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे, गंजाम डिस्ट्रिक्ट जे कि आमर तप्त पा हॉट स्प्रिंगटा अवस्थित। तापर आउ गोटे पचार आपणकर देउलझरी, नोट करूँ देउलीझरी, देउलझरी हॉट स्प्रिंगटा कौटी अवस्थित ना, आपण मैंने कहे यहाँ आमर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट। तापर आउ गोटे आमर पुरी डिस्ट्रिक्ट अच्छी कौन ना, से सारा लेक। ठीक अच्छे, सारा लेकटा जे कि आमर कौ डिस्ट्रिक्ट ना पुरी डिस्ट्रिक्ट अवस्थित। ये जी आपण मानक कहली ये सब ही आपण मैंने नोट डाउन करके रखु, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आपन को बहुत हेल्प कर। तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर टू देखु, ये क्वेश्चन टी पचारा व्हिच रिलीजन इज मेजोरीटी इन ओडिशा। कौन कहला ना, क्यों रिलीजनटा ओडिशार गोटे मेजोरीटी बा मुख्य भाव में जना जाए, करेक्ट आंसर कौन कहे। देखु ये आपण मैंने जा सारी इमेज देखिकी जे कि ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर हिंदुजिम। ठीक अच्छे, हिंदुजिम रिलीजनटा जे कि कौन ना ओडिशार गोटे मेजोरीटी मुख्य रिलीजन भाव में जना जाए। जदि आम हिंदुजिम रि परसेंटेज हिसाब से देखा तो के जानते 94% मन रखु केते ना 93.7 कौन 78 पाखापाखी आसूची, तो आम 50 क्रॉस कला मान आम से 94 धरवा। ठीक अच्छे, 94% हो हिंदुजिम ओडिशारे। तापर सेकेंड्रे जदि आपन को पचार कौ रिलीजन सेकेंड्रे अच्छी, तो आपण मैंने कौन कहे ना सेकेंड्रे जे आप कहे कौन कौन कहे, ख्रीटानिटी ना सिक्किम सिख कौन कहे सिक्किजिम, नोट करूँ जे कि आमर जो रही कि ख्रीटानिटी। ठीक अच्छे, ये जे कि आमर रे सेकेंड्रे आंकर जो परसेंटेज देखा आंकर भी सही रोज 2.77, तो 77 तो क्रॉस कला 50% क्रॉस कला माने आम यू धरिया के 3%। ठीक अच्छे, 0.77 है मैंने आम आपको तीन भी धरीपर जदि आपको एग्जाम 3% देसेंट को करेंगे करेक्ट आंसर, ना 2.77 जदि देखा भी करेंगे करेक्ट आंसर। किंतु प्रथम मेजोरीटी भाव में जदि आम देखा आमर हिंदुजिमटा जे कि ओडिशार मेजर, ठीक अच्छे, मुख्य रिलीजन भाव में गणा जाए, ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। क्लियर, सब नोट कर कहूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री देखु, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा फॉर्म 2001 to 2011। देखु ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन टी देखिए बस क्वेश्चन टी कौन आपके बुझार अच्छी, ये क्वेश्चन में बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपण मानक कह नोट करेंगे सब। ठीक अच्छे, देखो क्वेश्चन टी पचार कौन ना 2001 to 2011 आम जो जनगणना होता 11। ठीक अच्छे, अकॉर्डिंग टू 2011 कथा पचारी जे कि आमर जो पॉपुलेशन जनसंख्यार जो परसेंटेज रहा जे कि केते परसेंटेज देखि 2001 to 2011 भितर जे कि कौन ना इनक्रीज होती, करेक्ट आंसर कौन है कहतु।
तो आपण माने कहबे जनसंख्या हिसाब रे आमे जदि देखिबा ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट आंसर 1.32% जे कि हमरो इंक्रीज होईची केबे ना 2001 रु 2011 जनगणना ठीक अछि जे कि आमे 2011 जनगणना कथा कहू जे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ठीक अछि मने रखी थे एवं आमर एग्जाम रे कौन हुए ना ये जो रहिला ना 2011 जनगणना यही हिसाब रे बहुत सारा क्वेश्चन पचार दे थो 2011 जनगणना हिसाब से ओडिशार क्यों डिस्ट्रिक्ट सबुठ बड़ पॉपुलेशन हिसाब से आमर डेंसिटी आमर जो रहिला कि सेक्स रेशियो आ गोटे रहिला पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सब ही वर्तमान आम गोटे गोटे डिस्कशन करिबा एवं सब ही आपण माने नोट डाउन करंतु अकॉर्डिंग टू 2011 2011 हिसाब रे जदि आपन को क्वेश्चन पचारिबो ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट एरिया हिसाब रे सबुठारु बडो ना आपन माने कहबे कोन ना मयूरभंज नोट डाउन करंतु ओडिसा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जे कि सबुठारु बडो को हिसाब रे ना एरिया हिसाब रे तापर फुण पचारिबो एरिया हिसाब रे सबुठारु तले जदि बडो हैला मयूरभंज तले सबुठारु छोटो कोउटा ना आपन माने कहबे जगतसिंहपुर जगत सिंहपुर ठीक अच्छे मयूरभंज हूँ सबुठू बड़ जगत सिंहपुर हूँ सबुठू छोट तापर आपण मानक ये गोटे छोटिया प्रश्न अच्छी आपण मैंने आमको कमेंट करूँ जदि 2011 हिसाब से एरिया हिसाब से जदि सबुठू बड़ मयूरभंज है सबुठू छोट जगत सिंहपुर है सेकेंड लार्जेस्ट द्वितीय बृहत्तम जिला कोउटा जोटा कि एरिया हिसाब रे गणा जीवो एटा आपण माने आमको कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 3 लेखि के कमेंट करंतु सेकंड लार्जेस्ट कोउटा ठीक अछि देखम संग माने वर्तमान आपण तो एति कि नोट कले एबे आपण को कहू छी पॉपुलेशन हिसाब रे अकॉर्डिंग टू 2011 2011 हिसाब रे जदि आमे पॉपुलेशन को देखिबा तो आमर हे जीवो गंजाम नोट डाउन करंतु गंजाम होची सबुठारु अधिक जनसंख्या तापर को सबुठारु कम कोटा ना आपण माने कहबे देवगढ़ पॉपुलेशन गला तापर आमे देखिबा कि साक्षरता हार लिटिलेसी रेट ठीक अछि साक्षरता हार रे जदि आमे देखिबा सबुठारु बड़ कोटा ना आपण माने कहबे खोर्धा ठीक अछि साक्षरता हार रे सबुठारु बड़ होउची खोर्धा बिग लिखि देली ता सबुठारु छोट होउची कोटा ना नवरंगपुर होची सबुठारु छोट एति कि बुझिले पॉपुलेशन गला आउट आमर साक्षरता लिटिलेसी रेट गला एवं आउट जाई आमर कोन ना एरिया हिसाब रे गला तीनोटी गला ठीक अछि तापर आमे वर्तमान देखिबा आमर अर्बन पॉपुलेशन कोन ना अकॉर्डिंग टू 2011 जा भी वर्तमान मु आपनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहू से सब ही अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अर्बन पॉपुलेशन रे जदि आमे देखिबा अर्बन पॉपुलेशन रे जदि आमे देखिबा सबुठारु बड़ कोउटा ना आपण माने कहबे कोन ना खोर्धा अर्बन पॉपुलेशन रे होची सबुठारु बड़ खोर्धा एवं सबुठारु छोट होची आमर कोन ना बौद्ध बोली कोन छोट बोली कोन ना कम कहबे अर्बन पॉपुलेशन रे कम होची बौद्ध एवं अधिक होची आमर खोर्धा ठीक अछि तापर वर्तमान आमे देखिबा सेक्स रेशियो ठीक अछि सेक्स रेशियो बोली कौन ना हजारे पुअरे केते झियो जदि देखिबा सबुठारु अधिका जे कि हमर कोटा ना रायगडा देखंतु रायगडा रे जो हमर रहिले जदि आमे देखिबा हजारे पुअरे मिनिमम सेटी हमर केते ना 900 समथिंग ठीक अछि 900 समथिंग जे कि झियो सेटी अछंती रायगडा जे कि हमर हे जीवो सेक्स रेशियो रे सबुठारु अधिक एवं सबुठारु कम हे जीवो हमर नयागढ़ ठीक अछि नयागढ़टा आमर कौन ना आपण माने कहबे नयागढ़ जेकि सेक्स रेशियो रे सबुठारु कम जदि हजारे पुअरे झियो जदि सेठी देखिबा आमे 500 रो बिलो ठीक अछि जेकि सेटा आमर कौन ना सबुठारु कम नयागढ़ सबुठारु अधिक जदि सेक्स रेशियो रे देखिबा रायगढ़ा क्लियर आपण कहबे नाही आउ गोटे जिनिस रहिगला ठीक अछि आउ गोटे आपण कहि दउ छी जेकि आमर जो डेंसिटी बोली कौन आमर जो एरिया स्क्वायर मीटर ठीक अछि तो आपण माने जदि डेंसिटी हिसाब रे देखिबे सबुठारु अधिक होइ जाउ छ हमर कोउटा ना खोर्धा ठीक अछि खोर्धा एवं सबुठारु जदि कम देखिबे आपण माने कहबे सेटा हमर होउची डेंसिटी हिसाब रे कंधमाल ठीक अछि डेंसिटी हिसाब रे सबुठारु कम होउची कंधमाल सबुठारु अधिक आउची खोर्धा
केते सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर देखुच अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अनुजाई आपण मानू कहूँ ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक रोचे देखो सांग मैंने आपण मैंने जितेबाला आम ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम दौंती ना कहीं सब माइंड में गोटे जिनस रखि आम क्वेश्चन आसा ओडिशार क्या आसो आईतर ओडिशार आम कौन ना आम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशार नदी होशार हिल्स हो ठीक अच्छे बा ओडिशार एरिया हिसाब से ओडिशार जियोग्राफी ओडिशार हिस्ट्री आरी उपर ही सब क्वेश्चन आमर ओडिशा उपर आसे तो मु कौन करुच ना बहुत जल्दी आपण मानी गोटे भिडियो आणवी से मिनिमम आपणकर 10 घंटा पाखापाखी हो ठीक अच्छे से गोटे भिडियो आम डायरेक्ट हिस्ट्री एवं जियोग्राफी बाकी जो रहा ओडिशा उपर क्वेश्चन करा सब ही से गोटे भिडियो आपंकर सुहा करदे ठीक अच्छे से गोटे भिडियो देखीदे आपंकर टोटाल सब क्लीयर होस आपण मैंने कौन टॉपिक प्रिपेरेसन करेंगे किंतु से गोटे भिडियो आपंकर सब मुझे क्लीयर करदे चेष्टा करुच्ची से भिडियो आप बहुत जल्दी मुझे नहीं कि आसूँ आपण मैंने किसी समय अपेक्षा करूँ तेब चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 4 हुई जी डिस्ट्रिक्ट इज द कोस्टल टाउन ऑफ गोपालपुर लोकेटेड देखूँ ये कौन कहला ना हुई जी डिस्ट्रिक्ट इज द कोस्टल टाउन गोपालपुर जे कि जो रहा गोपालपुर ठीक अच्छे ये गोपालपुरटा जे कि आम कौ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित कहतु गंजाम ना बालेश्वर ना खोर्धा ना गजपति इमेज देखु ये हूँ आम कौन ना आपण मैंने कहे ये हूँ गोपालपुर बीच ये गोपालपुरटा जे कि आम कौटी अवस्थित कौ डिस्ट्रिक्ट जे कि अवस्थित करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 4 ना आपण मैंने कहे ऑप्शन ए गंजाम गंजाम डिस्ट्रिक्ट जे कि आम जो गोपालपुर बीचटा रहा गोपालपुर बीचटा अवस्थित ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर बुझिपाले देखो सांग मैंने आपण मानक गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूँ आपण मैंने मन रखुदूँ ये जो गंजाम दे मन रखि थे मुझे अलरेडी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ यार रिलेटेड क्वेश्चन ये बनुच्ची से आपदे मन रखुदूँ जे कि गंजामटा ओडिशार जे कि रहा जो बॉर्डर एरिया रहा ना ओडिशा केतोटी स्टेट सांगे तार बाउंड्रीटा को बांटी आपण मैंने कौन कहे चारोटी स्टेट सांगे तार बाउंड्रीटा को बांटी पुणी मन भितर क्वेश्चन आसुथ्वो से चारोटी स्टेटर नाम कौन जदि आपण मैंने नोट डाउन करके रखुंत तो गोटे गोटे करके रखुद मुझे कहूँगी कि आम गोटे कौन जो चारोटी स्टेट सांगे बांटी बॉर्डरटा से कहीदे मन रखु गोटे है आम ईस्ट रोच कौन देखो यहाँ धर मानचित्र देखो मुझे अलरेडी आपण मानक मैप्रे बुझे आपन को कितु ये आउ थे कहीदे मन रखु यहाँ आम ईस्ट यहाँ वेस्ट यहाँ है साउथ यहाँ है नॉर्थ ईस्ट आम जो रोचे ना देखु ईस्ट आम जो रहा टोटाल बे ऑफ बंगाल रहा छाड़ दिंतु ईस्ट वाला को आपण मैंने छाड़ दिंतु बाकी रहा वेस्ट वेस्ट कौन रोच ना आपण मैंने कहे वेस्ट जे कि आम रोच कौन ना छत्तीसगढ़ साउथ साउथ रे रहा आंध्र प्रदेश आउ गोटे रहा नॉर्थ नॉर्थ रे रोच आम झारखंड सांग को कौन ना वेस्ट बेंगल ये आपण मानक एथपाई कहली ये जो गंजाम डिस्ट्रिक्टा ना ना गंजामटा पचारू आपन को क्यों स्टेट सांगे तार बॉर्डरटा को बांटी ना आपण मैंने कहे आम जो साउथ रे रहा आंध्र प्रदेश सहित जे कि गंजामटा कौन करना ओडिशार गोटे डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश सहित तार सीमाटा को बांटी पुणी क्वेश्चन पचार देखो ये जो गंजाम कहले ना मन रखि थे क्वेश्चन पचारदेव निम्नलिखित मानक मधुर क्यों डिस्ट्रिक्टा ओडिशार क्यों डिस्ट्रिक्टा आंध्र प्रदेश सहित तार सीमा बांटी से आपन को कहूँ मन रखुद गोटे गंजाम जदि पचार टोटाल केतोटा डिस्ट्रिक्ट तार बॉर्डर बांटी आंध्र प्रदेश सहित आपण मैंने कहे 5टा डिस्ट्रिक्ट ओडिशार 5टा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश सहित तार बॉर्डरटा को बांटी तत्मध्यरु गंजाम डिस्ट्रिक्ट हूँ गोटे नोट करूँ सेकेंड रे आमर है कौन ना गजपति नोट करूँ 3 नंबर है मलकानगिर एवं 4 नंबर है रायगढ़ 5 नंबर है कोरापुट ये 5टी डिस्ट्रिक्ट जे कि आंध्र प्रदेश सहित तार सीमाटा को बांटी तो गंजाम कथा उठला माने से आपण मानक किसी क्वेश्चन कहली से सब आपण मैंने नोट डाउन करके रखुदू बुझिले तापर देखु आउ किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आम डिस्कसन करनवा जिते एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कसन करवा से आपणकर भल क्वेश्चन आम सीना गोटे डिस्कसन करुचे तार रिलेटेड क्वेश्चन केते सारा डिस्कसन करुचे से आपण मैंने नोट डाउन करके रखुदूँ कथ मानतु निश्चय देखिए एग्जाम क्वालिफाई करके आसबे ये जो गंजाम कथा उठिला ना ये गंजाम कौन ना आपण मैंने कहे तप्तपा हट स्प्रिंग आमर जो रहा कि गोटे तप्तपा नोट करूँ तप्तपा हट स्प्रिंगटा कौटी अवस्थित ना आपण मैंने कहे गंजाम डिस्ट्रिक्ट जे कि तप्तपा हट स्प्रिंगटा अवस्थित बुझिपाले एवं ये जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट आम गोटे टेम्पुल अच्छे जे कि प्रसिद्ध टेम्पुल नाम कौन ना तारा तारिणी टेम्पुल नोट करूँ
तारा तारिणी टेम्पुल आमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी एवं ए तारा तारिणी टेम्पुलटा केऊ नदी कूल रे अवस्थित कौन कहे बा केऊ हिल उपर अवस्थित ना आपण माने कहे कुमारी हिल ठीक अच्छे कुमारी हिल रे जेकि अवस्थित एवं केऊ नदी कूल रे ना आपण माने कहे जेकि एटा आमर कौ नदी ना ऋषिकुल्या ऋषिकुल्या नदी कूल रे जेकि आमर तारा तारिणी मंदिरटा अवस्थित एवं ए तारा तारिणी मंदिर गोटे आमर शक्तिपीठ मन रखिथिबे जेमिति जाजपुर रे थिबा मां बिरजांग मंदिर होउछि गोटे शक्तिपीठ सेमती तारा तारिणी मंदिर होउछि आमर गोटे शक्तिपीठ मन रखिथिबे बहुत इंपोर्टेंट आपण मानको पाई कि रहउछि एवं ए गंजाम रे आउ कोन ना गंजाम रे आपण माने कहबे चिलिकाटा भी मध्य अवस्थित गंजाम जदि गोटे डिस्ट्रिक्ट होचे एमिट ए टाइप रो डिस्ट्रिक्ट जे कि क्वेश्चन से गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे बहुत सारा अछि ठीक अछि हम संस्कृति हो बा हमर कोन ना हमर जो परंपरा परे बा हमर इतिहास जियोग्राफी पूरा भरपूर हेक अछि हमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे ठीक अछि देखंतु गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे हमर चिलिकाटा अवस्थित पचारिबो चिलिकाटा केउठी अवस्थित ना आपण माने कहबे गंजाम रे जे कि चिलिकाटा अवस्थित किंतु जदि पचार तब कि स्पेयर्ड जे कि गंजाम रे जो चिलिका लेकटा अछि से चिलिका लेकटा केतोटी डिस्ट्रिक्ट को स्पेयर्ड हेक अछि माने खेले हेक अछि ना आपण माने कहबे तीनटा डिस्ट्रिक्ट को जे कि खेले हेक अछि बा तीनटा डिस्ट्रिक्ट को टच करछि से तीनटा डिस्ट्रिक्ट रो नाम कोन नोट करंतु प्रथमे हमर रहउछि कोन ना ईस्ट रे पूर्व रे रहउछि हमर कोन ना आपण माने कहबे पुरी पुरी डिस्ट्रिक्ट एवं सेकंड रे रहउछि हमर कोन ना सेकंड रे रहला नॉर्थ नॉर्थ रे पुनी कोन रहला ना नॉर्थ रे रहला हमर खोर्धा ठीक अछि एवं तीन नंबर तीनटा तीन नंबरटा कोन ना तीन नंबर रहउछि हमर साउथ साउथ रे कोन रहला ना आपण माने कहबे गंजाम ठीक अछि पुरी खोर्धा गंजाम ए तीनटा डिस्ट्रिक्ट को जे कि चिलिका लेकटा टच करिकी रहुची देखंतु चिलिका लेकटा रे बा चिलिकाटा जो हमर रहिला चिलिकाटा केउ टाइप रो लेक जदि पचारिबो आपण माने कोन कहबे ना ब्रैकिश वाटर लेक नोट डाउन करंतु बी आर ए सी के आई एस एस ठीक अछि लिखिया पई प्रॉब्लम होउछ आपण माने एडजस्ट कर दियंतु पचार दबो क्वेश्चन रे चिलिका कौ टाइप रो लेक ना आपण माने कहबे ब्रैक्टी वाटर लेक होउची चिलिका जे कि चिलिका रे कौ टाइप रो डॉल्फिन देखा जांती ना आपण माने कहबे चिलिका रे इरवाड़ी डॉल्फिन देखा जांती नोट डाउन करंतु ए क्वेश्चन टा ऑलरेडी हमर आसी सारी छी एग्जाम रे ठीक अछि चिलिका रे कौ टाइप रो डॉल्फिन देखा जांती ना इरवाड़ी टाइप रो डॉल्फिन चिलिका रे देखा जांती एवं चिलिका टा हमर होउची गोटे एमितिया जगह देखंतु चिलिका रे हमर कोन गोटे पक्षी अभयारण्य अछि से पक्षी अभयारण्य रो नाम कोन ना नळबण बार्ड सेंचुरी ठीक अच्छे क्वेश्चन पचारे कि नलबण बार्ड सेंचुरी के अवस्थित ना आपण कहे चिलिका रे अवस्थित देखो चिलिकाटा आमर भारत ओडिशा कहानी भारत जे कि प्रथम रामसर साइड को जाइए कौटा ना चिलिका लेकटा भारत प्रथम ओडिशा भी मध्यम प्रथम रामसर साइड को कौटा जाइए ना चिलिका लेकटा जाइए के नाइंटीन हंड्रेड एट्टी वन जा क्लीअर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु केते सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपण माने देखि पारुछन्ती खाली नोट डाउन करके रखंतु रखी पाइले हेला ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट रहूची क्वेश्चन नंबर फाइव देखंतु इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज पारादीप पोर्ट लोकेटेड देखंतु पारादीप पोर्टा आमर केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित कौन कहे आप सर ए क्वेश्चन टा इजी ठीक अच्छे क्वेश्चन इजी हो आर रिलेटेड क्वेश्चन जो डिस्कसन करवा से अच्छी कथ आमर ठीक अच्छे देखो पारादीप पोर्ट आपदे ऑप्शन डी जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ठीक अच्छे आपने ठीक कहे क्वेश्चन इजी अच्छी किंतु ये इजी क्वेश्चन आने तो आर रिलेटेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे जगतसिंहपुर जेकि आम पारादीप पोर्टा अवस्थित चलतु एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरंभ करदे जदि पचार भारत में आपंकर केतोटी मेजर पोर्ट अच्छी इंडिया केतोटी मेजर पोर्ट अच्छी ना मेजर पोर्ट भाव में जेकि आमर केतोटी ना तेरटी तेरटी रहिला मेजर पोर्ट तापर क्वेश्चन पचार जे कि आमर जो पारादीप पोर्ट रो फाउंडेशन स्टोन टाक किए रखी ना आपण मैंने कहे किए ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेतबेले किए थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थिले ना जवाहरलाल नोट करंतु जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जे कि पारादीप पोर्ट रो जे कि फाउंडेशन स्टोन रखी थिले केबे रखी थिले मन रखंतु 3 जनवरी 1962 रे जे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पारादीप पोर्ट रो फाउंडेशन स्टोन टा को रखी थिले देखो 1962 रे फाउंडेशन स्टोन रही थिला तापर को 1965 रे कौन हेला ना मन रखुथिबे एकरा मसिया गरा 1965 रे कौन हेला ना पारादीप पोर्टा गवर्नमेंट अंडर को जाइथिला ठीक अछि
गवर्नमेंट अंडर को जाइथिला। क्वेश्चन क्वेश्चन पचारद पारादीप पोर्ट केबे गवर्नमेंट अंडर को जाइथिला ना 1965 रे जाइथिला एवं पारादीप पोर्ट रो फाउंडेशन स्टोन केबे रखा जाइथिला ना 3 जनवरी 1962 रे रखा जाइथिला बुझि पाइले। तापर पारादीप पोर्ट केबे खोला जाइथिला जदि पचारिबो ओपन बाय ओपन केबे करा जाइथिला ना 12 मार्च नोट डाउन करंतु 12 मार्च 1966 12 मार्च 1966 जे कि पारादीप पोर्ट खोला जाइथिला 1965 जे कि गवर्नमेंट अंडर को गला 1962 जे कि आमर फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू रखिथिले। क्लियर सबु ही नोट करके रखंतु ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु द किंगडम ऑफ ओडिशा रीच द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर व्हिच डायनास्टी। देखो संग माने क्वेश्चन टाकु भले किन बुझंतु क्वेश्चन टी कहला कि ओडिशा रे केऊ किंगडम केऊ राजांक समय रे बा केऊ राजां केऊ डायनास्टी समय रे ठीक अछि जे कि ओडिशाटा कोन करथिला ना जेनिथ माने कोन ना पूरा टॉप लेवल ले पहुचिथिला ठीक अछि। केऊ डायनास्टी समय रे ओडिशा जे कि पूरा जेनिथ पूरा टॉप लेवल ले जाई कि पहुचिथिला। करेक्ट आंसर कोन कहबे कोंतु ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए गंगो डायनास्टी। गंगो डायनास्टी समय रे ओडिशा जाई कि पूरा टॉप लेवल ले जाई कि पहुचिथिला इधर से वाणिज्य क्षेत्र रे हो जे कोनो से क्षेत्र रे हो ना काई कि ठीक अछि। खास कर कि वाणिज्य क्षेत्र रे पूरा टॉप लेवल ले ओडिशा जाई कि पहुचिथिला गंगो डायनास्टी समय रे। देखंतु फुण मन भीतर क्वेश्चन आसुथिबो गंगो डायनास्टी केबे शासन करथिले बा केते वर्ष धरि कि शासन करथिले सबु ही आपण मानको कहूची नोट करंतु हमर 1038 एडी रु कौन ना 1038 एडी रु आमर आरंभ करिकिनी 1438 एडी रु आरंभ करिकि 1438 एडी पर्यंत जे कि गंगा डायनास्टी जे कि शासन करथिला अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ष ठीक अछि। 400 वर्ष धरि कि गंगा डायनास्टी जे कि शासन करथिला। तापर क्वेश्चन टी आसीबो जे कि हमर जो गंगो डायनास्टी रो शेष शासक किए थिले गंगो डायनास्टी रो द लास्ट रूलर ऑफ गंगो डायनास्टी कौन कहबे ना भानुदेव चतुर्थ। नोट डाउन करके रखंतु भानुदेव भानुदेव चतुर्थ जे कि गंगो डायनास्टी रो जे कि लास्ट रूलर थिले बुझि पाइले। तापर पचारिबो गंगो डायनास्टी रो फाउंडर द फाउंडर ऑफ गंगो डायनास्टी कोन कहबे फाउंडर प्रतिष्ठाता गंगो डायनास्टी गंगो वंश रो प्रतिष्ठाता किए थिले कोन कहबे ना कोनकोनी वर्मा। नोट डाउन करंतु कोनकोनी वर्मा ठीक अछि। कोनकोनी वर्मा जे कि गंगो डायनास्टी रो फाउंडर एवं गंगो डायनास्टी रो लास्ट रूलर बा शेष शासक थिले हमर भानुदेव चतुर्थ 1038 रु आरंभ करिकिनी 1434 एडी पर्यंत शासन करथिले अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ष धरिकि ठीक अछि। तापर देखंतु आमे जो डिस्कशन करिछ माने आउ किछ आमे डिस्कशन करिनबा बढ़िया रहइबो। तापर देखंतु क्वेश्चन हमर आउ को टाइप रो आसे ना हमर गजपति डायनास्टी ठीक अछि। आउ गुटे रहला कि गजपति डायनास्टी गजपति डायनास्टी उपरे क्वेश्चन आसे पचारिबो गजपति डायनास्टी सेमती केते रु केते पर्यंत शासन करथिला ना आपण माने कहिबे जोटा कि हमर कोन ना हमर जो फास्ट आपण को कहली कि गंगो डायनास्टी हमर शासन शेष होथिला तार केबे ना हमर 1038 रु नै कि 1434 पर्यंत कार थिला ना गंगो वंशर सेमती 1434 रे गंगो वंशर सहिला माने सरिला माने 1434 रु कि आरंभ कला ना आपण माने कहिबे गजपति डायनास्टी 1434 रे आरंभ कला गजपति डायनास्टी केते पर्यंत ना 1541 पर्यंत ठीक अछि। 1434 रु 1541 पर्यंत जे कि हमर गजपति डायनास्टी शासन करथिला। तापर पचारिबो कि गजपति डायनास्टी रो फाउंडर किए तो फाउंडर ऑफ गजपति डायनास्टी आपण माने कहबे कपिलेंद्र देव। नोट डाउन करंतु कपिलेंद्र देव जे कि गजपति वंशर बा गजपति डायनास्टी रो फाउंडर माने रहला। तापर ऑप्शन बी रे देखंतु भोई डायनास्टी। भोई डायनास्टी रो फाउंडर किए कोन कहबे नोट डाउन करंतु मु जहा आपनको कहूची जे कि हमर भोई डायनास्टी कथा पचारिला भोई डायनास्टी जे कि हमर शासन करथिला 1541 रु आरंभ करिकिनी 1541 रु आरंभ करिकिनी 1598 पर्यंत ठीक अछि बुझि पाइले। तापर फाउंडर फाउंडर कथा जेतु आपनको पचारिछि माने आपन माने नोट करंतु
ଦେଖନ୍ତୁ 1541ରୁ 1598 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କି ଆମର ଶାସନ କରିଥିଲା କିଏ ନା ଆମର ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଠିକ ଅଛି 41ରୁ 1598 ଯେ କି ଆର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ଆମର ଗୌଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାନଗର ଠିକ ଅଛି ଗୌଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାନଗର ଯେ କି ଆମର ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଯେ କି ଫାଉଣ୍ଡର ବା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାପରେ ସେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन नंबर सेवेन देखो क्वेश्चन कौन पचारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडर फाउंडेड ईस्टर्न गंग डायनास्टी इन ओडिशा ओडिशा जो आम रही है कि ईस्टर्न गंग डायनास्टी को किए फाउंड किए प्रतिष्ठा करते क्या ना ईस्टर्न गंग डायनास्टी को किए फाउंड करते किए प्रतिष्ठा करते क्वेश्चन नंबर सेवेन करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना आपण माने कहिबे ऑप्शन बी अनंत वर्मन चोडगंग देव अनंत वर्मन चोडगंग देव जे कि ईस्टर्न गंग डायनास्टी को फाउंड करथिले देखंतु ए जो अनंत वर्मन चोडगंग देव ये भी हमर किछि प्रसिद्ध मंदिर को भी मध्य प्रतिष्ठा करथिले तत मध्यर गोटे मंदिर हमर कोन ना आपण माने कहिबे जे कि हमर व्हाइट पगोडा को मंदिर को व्हाइट पगोडा बोली कहा जाय कोंतु व्हाइट पगोडा ना आपण माने कहिबे पुरीर जगन्नाथ मंदिर नोटन करंतु पुरीर जगन्नाथ मंदिर को किए प्रतिष्ठा करथिले बा किए निर्माण करथिले ना अनंत वर्मन चोडगंग देव जे कि निर्माण करथिले ठीक अछि जे कि किए ना अमर जे कि ईस्टर्न गंग डायनास्टी को जे कि फाउंड करथिले सीए व्हाइट पगोडा बा अमर पुरीर जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करथिले केबे निर्माण करथिले ना बिल्ड बाय नोटन करंतु 1161 एडी 1161 एडी रे पुरी जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करा जायथिला ठीक अछि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन संग माने जमा भी बोरिंग होंदुनि वीडियो टिके लंबा हबो किंतु आपनकर बहुत हेल्प करिवो क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु द गजपति होयारे मेडिएवल हिंदू डायनास्टी दैट रूल्ड ओवर कलिंग फॉर्म देखंतु एठी क्वेश्चन टाको प्रथमे बुझंतु क्वेश्चन टिके लागि द गजपति होयारे मेडिएवल हिंदू डायनास्टी डेट रूल्ड ओवर कलिंग देखो जो गजपति ये आपको कहली गजपति जे कि आमर जे कि केबेरु केबे पर्यंत जे कि शासन करथिले कोंदु गजपति डायनास्टीटा जब गजपति आमर जो रहिला ये जे कि आमर केबेरु केबे पर्यंत आमर करथिला करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन डी 1434 रु 1541 माने रहिला 1434 रु 1541 पर्यंत जे कि गजपति डायनास्टी आमर जो रहिथिला से जे कि आमर कौन ना आमर सी शासन करथिला ऑप्शन डी हे जीव एठी करेक्ट आंसर एटा ऑलरेडी आपण मानु कहिजी गजपति डायनास्टी रो फाउंडर किए तथापि आउथरे कहि दउ जी नोट करंतु कपिलेंद्र देव कपिलेंद्र देव जे कि गजपति डायनास्टी रो फाउंडर द फाउंडर ऑफ गजपति डायनास्टी कोन कहबे ना कपिलेंद्र देव पुनी पचारिबो कपिलेंद्र देवंकर ओरिजिनल नाम ओरिजिनल नामटा कोन कोन कहबे ना कपिलेंद्र राउत राय नोट डाउन करंतु कपिलेंद्र राउत राय ठीक अच्छे कपिलेन्द्र देवंकर ओरिजिनल नामटा कौन ना कपिलेन्द्र कपिलेन्द्र राउत राय मन रहा देखु तापर ये जो आमर जो रहा किए ना आमर जो गजपति डायनास्टी जे कि आमर कौटू कौ पर्यंत शासन करूला ना आपण मैंने कहे नॉर्थ गंगारु साउथ कावेरी कौन ना नॉर्थ गंगारु नोट डाउन करूँ ये नॉर्थ गंगा टू साउथ कावेरी ठीक अच्छे गंगारु नॉर्थ गंगारु साउथ कावेरी पर्यंत जे कि विस्तार लाभ करथिला कि ना गजपति डायनास्टी बुझि पाइले देखंतु एटी गोटे बढ़िया क्वेश्चन टी अछि जे कि ए जो गजपति डायनास्टी समय रे जे प्रसिद्ध कवि जे कि सेई समय रे से आसीथिले तांको ना कोन ना आपण माने कहबे गजपति डायनास्टी समय रे जे कि हमर सारला दास जोटा कि आम कहूँ आदिकवि आदिकवि सारला दास जे कि से समय आसीथिले एवं से सारला दास गोटे बहुत बढ़िया बढ़िया बही भी सी लिखिथिले से बहीटा आजिका डेट्रे भी आम क्वेश्चन पकोची बहुत थर भी से क्वेश्चन एग्जाम आसी सारा सारला दास बुक बुक आई लेखा आई गोटे मन रखु चंडी पुराण नोट डाउन करूँ चंडी पुराण एवं आउ गोटे रोज आम ओडिया महाभारत ओडिया महाभारत एवं बिलंका रामायण बिलंका
रामायण सारला दास प्रसिद्ध लेखा गोटे चंडीपुराण ओडिया महाभारत बिलंका रामायण ये तीन टाइम मन रखुद बहुत इंपोर्टाट रोलरेडी आपँक जो बुक आंड अथर जो क्वेश्चन गोटे प्रोवाइड करें तीनो पार्ट पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री आपनो पार्ट देखु तीनो पार्ट देखीदेवे जदि आप बुक आंड अथर पर पूरा क्लीयर होदि आपंकर कवि उत्पादी और कौ कवि के तांकर लेखा गुड़िक विषय जानवाक चाहूँगी ताल आम बुक आंड अथर और कवि उत्पादी पार्ट वन भिड आपने देखूँ जापर ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक रोचे सारला दास जेके तीनो लेखा लिखी ले, मन रखी बहुत इंपोर्टाट रोचे ठीक अच्छे जदि भी मन रोनी नोट डाउन करके रखु ठीक अच्छे तापर देखु क्वेश्चन टी आमको आउ कौन पचारे ना जो गजपति वंशर फाउंडर किए कहली ना कपिलेन्द्र देव कपिलेन्द्र देवंर के मृत्यु होता कौन कहे ना 1467 रे जेकि कपिलेन्द्र देवंर मृत्यु होता बुझिपाले ना बुझिपाले देखु तापर ये गजपति डायनास्टी बा तार फाउंडर जो थे कपिलेन्द्र देव तांकर समय जे कि आम प्रताप रुद्रदेव भी आसी मन रखु प्रताप रुद्रदेव जे कि गजपति डायनास्टी समय रे आसी जे कि समय सीमा जदि पचार कहार ना प्रताप रुद्रदेवंर टाइम पीरियड कथा जदि पचार आपण मैंने कहे 1497 रु आरंभ कर 1540 पर्यंत जे कि से शासन करते किए ना प्रताप रुद्रदेव जे कि कपिलेन्द्र देव बा गजपति डायनास्टी समय रे आसी बुझिपाले पुणी पचार कि द लास्ट रूलर ऑफ गजपति डायनास्टी रो शेष शासक किए थे आपण मैंने कहे कौन ना कपिलेन्द्र देव जे कि शेष रूलर शेष शासक थे देखु क्वेश्चन नंबर 9 देखु द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोरिश ड्यूरिंग ह्विच डायनास्टी इन ओडिशा देखु ग्रेट पोएट जे कि जड़े रही कि जयदेव जयदेव जे कि क्यों डायनास्टी समय ओडिशा को आसी क्वेश्चन टी कह करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन बी गंगो डायनास्टी समय रे जयदेव जे कि ओडिशा को आसी जयदेवंर गोटे प्रसिद्ध रचना थिला से रचनार नाम कौन ना आपण कहे गीत गोविंद नोट डाउन करूँ गीत गोविंद क्वेश्चन टी आपको पचारदेव गीत गोविंद किए लिखिंट गीत गोविंद कहार लेखा ना आपण मैंने कहे जयदेवंर लेखा हो गीत गोविंद जयदेव जिते भी किसी लिखिं तत्मधर गीता गोविंद हूँ प्रसिद्ध लेखा मन रखिथे जे कि जयदेव गंग डायनास्टी समय ओडिशा को आसी ठीक अच्छे बुझिपाले देखो सी जो गंग डायनास्टी समय जिते ओडिशा को आसी समय ओडिशा जे कि गंग डायनास्टी किए शासन करुले कौन कहे ना राजा द्वितीय राजा द्वितीय ठीक अच्छे जे कि आंकरी समय रे जे कि जयदेव गीता गोविंद लिखी थे जयदेव ओडिशा को आसी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन टी कौन कहे हु बिल्ड द वेल डेकोरेट एंड वेल स्क्रफ्टर टेम्पल ऑफ कोणार्क देखो कोणार्क सूर्य मंदिर जो रहा यू देखिए किए निर्माण करते करेक्ट आंसर कौन है क्वेश्चन नंबर 10 र ना आपण मैंने कहे ऑप्शन बी नरसिंहदेव प्रथम जे कि आम जो कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्माण करते बुझिपाले बहुत सारा सांग मैंने को बार बार कह नोट करके रखु बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक जमा भी आपको इग्नोर करूँ बहुत थर एग्जाम आसूची खास करके ओडिशा गवर्नमेंट यही टाइप क्वेश्चन ही आसूची आगक आसबार 100% चान्स अच्छी खाली 50% कहले हेनी टोटाल क्वेश्चन आसो ग्यारंटी दूसरी आपको बास आप मन ध्यान देखिए पढ़ु एवं जहाँ भी कहूँ ताको सब आप नोट डाउन करके रखु ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11 हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड देखो कौन कहला ना हु वाज द फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति किए ओडिशा जी की रिसीव कर संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड करेक्ट आंसर कौन है ना आपण मैंने कहे ऑप्शन सी बनमाली महाराणा जे कि ओडिशार प्रथम व्यक्ति जी कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड टा को प्रथम जे कि रिसीव बा प्रथम ग्रहण करिसेंती ऑप्शन सी हे जीव एठी करेक्ट आंसर जदि पचारिबो केबे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड बनमाली महाराणा पाइथिले ना आपण मैंने कहे 2004 रे जे कि पाइथिले बुझिपाले देखु जेहेतु आम अवार्ड कथा डिस्कसन करुचे मैंने किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बा रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा जे कि आम जो गोटे रहा कि केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड नोट डाउन करूँ केन्द्रीय देखो सांग मैंने लिखला बहुत समय जाऊँगी बास आप कहूँ आप नोट डाउन करूँ केन्द्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड
प्रथमे किए पाई ना आपण माने कहिबे गोपीनाथ महांती। गोपीनाथ महांती ठीक अछि। गोपीनाथ महांती को जे कि प्रथमे केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जायतिला केबे दिया जायतिला ना 1955 रे दिया जायतिला। तो कोउ नोबेल पाई कि तांकू केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड गोपीनाथ महांती को दिया जायतिला ना आपण माने कहिबे अमृतर संतान। नोट डाउन करंतु अमृतर संतान पाई गोपीनाथ महांती को 1955 रे केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला। मन रखिथिबे मसिया एवं कोउ नोबेल ना अमृत संतान पाई केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड रे पुरस्कार करा जायतिला। तापर मन रखु से गोपीनाथ महांती को, गोपीनाथ महांती को आमर ज्ञानपीठ अवार्ड रे भी मध्य सम्मानित करा जायतिला केबे ना 1973 रे जे कि ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला। कोउ नोबेल पाई कि ना आपण माने कहिबे माटी माटी मटाळ ठीक अछि। माटी ओ मटाळ नोबेल पाई कि 1973 रे आमर गोपीनाथ महांती को ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला ठीक अछि। बुझि पाइले ना बुझि पाइलेनि? देखुन सांग माने जहाँ भी आपंकर प्रोब्लेम रोचे आप कमेंट करूँ आम निश्चय आपंकर कमेंट रिप्ले देव आपंकर जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी आम सल्व करने को चेष्टा करूँ ठीक अच्छे। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कहले कि हुई इज सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे। कहतु भारत कौ सिटा आम स्पोर्ट्स कैपिटल भाव में जना जाए ना आपण मैंने कहे ऑप्शन ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सिटा जे कि आम स्पोर्ट्स कैपिटल भाव में जना जाए बुझिले। देखु ये जो भुवनेश्वर आपण कहली भुवनेश्वर को आउ कौन कह जाए ना आपण मैंने कहे भुवनेश्वर को जैसे मंदारमालिनी सहर बोली कह जाए आउ एकाम्र क्षेत्र बोली कह जाए आमर कौन आउ कौन कह जाए ना चक्रक्षेत्र। चक्रक्षेत्र एकाम्र क्षेत्र एवं मंदिरमालिनी सहर बोली भुवनेश्वर को कह जाए बुझिपाले। देखो पुरी पुरी को कौन कह जाए ना आम पुरी को शंख क्षेत्र कह जाए श्रीक्षेत्र कह जाए नीलाचल भी कह जाए ठीक अच्छे। तापर आम बाकी रहा कि केन्द्रापड़ा। केन्द्रापड़ा को कौन कह जाए ना केन्द्रापड़ा को आप कहे जे कि तुलसी क्षेत्र। क्वेश्चन पचारिदेव तुलसी क्षेत्र क्या कह जाए ना आप कहे केन्द्रापड़ा को जे कि तुलसी क्षेत्र कह जाए। और जाजपुर को क्यों क्षेत्र कह जाए ना जाजपुर को बिरजा क्षेत्र कह जाए कहीं ना माँ बिरजा मंदिर जाजपुर अवस्थित से बिरजा क्षेत्र बोली जाजपुर को कह जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्वेश्चन कौन कौन ना ह्वाट इज द अदर नेम ऑफ वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। आमर जो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रहा इमेज देखो इमेज देखिकी आंसर भी आपने जा सारे वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट अन्य नाम अदर नेमटा कौन करेक्ट आंसर कौन कहे ना ऑप्शन डी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट अदर नाम हो कौन वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट अन्य नाम हो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 14 देखु व्हाट इज द कोड IATA ऑफ बिजु पटनायक एयरपोर्ट। देखु बिजु पटनायक एयरपोर्ट जो रहा तार पचारा कि कोडटा कौन IATA मन रखु यार फुल फॉर्म आपदे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कौन ना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होउची IATA रो फुल फॉर्म। एठ कहला कि ए जो बिजु पटनायक एयरपोर्ट रहला तार कोडटा कौन BPI ना BPA ना BBI ना BEBS करेक्ट आंसर कौन हेबो ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी BBI ठीक अछि। BBI होउची हमर बिजु पटनायक एयरपोर्ट रो कोडटा ऑप्शन सी हे जीवो एठी करेक्ट आंसर। नंबर 15 देखो बढ़िया क्वेश्चन हाउ मेनी ओपन कैस्ट माइंस डज महानदी कोल फील्ड लिमिटेड हाव। देखो इमेज जो देखुंत MCL मन रखु MCL फुल फॉर्म पचार दबा महानदी कोल फील्ड होउची हमर कौन ना MCL फुल फॉर्म। एठ कहला कि हाउ मेनी केतोटी जेकि हमर MCL जो रहा कि महानदी कोल फील्ड जेकि हमर ओपन होकर अच्छे करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना आपण मैंने कहे ऑप्शन ए 7 जेकि हमर कोल माइंस जेकि आमर कोल फील्डटा जेकि ओपन होकर अच्छी ऑप्शन ए हो जाए करेक्ट आंसर। सांग मैंने ये आमर किसी ओडिशा उपर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपंकर अपकमिंग एग्जाम पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोचे। वीडियो को आपड़ शेष पर्यंत देखूँ जदि भिडियोटी आपको भल लगुच तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु सांगसाथी भिडियोटी को सेयार करूँ। तो मुझे बहुत जल्दी आप नेक्स्ट भिडियोटी नहीं आसूँ। देखो सांग मैंने आप भाव सर एत जल्दी कहीं कहते देखूँ स्लो स्लो कहले आपर टाइम लॉस ठीक अच्छे। आपको नोट करके रखी दिंतु मुझ चाहूनी कि आपंकर मूल्यवान समय को नष्ट करने टे स्पीड लिमिटा बढ़े दूसरी ठीक अच्छे। आपको देखूँ बहुत इंपोर्टाट रोज और बुलाबूली छाड़ी पाठ पढ़ा आपंभ कर दिंतु जदि आपंभ करना जदि भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को प्रथम कर आसी तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु यही टाइप कंटेंट पाइबा पाई। मुझ बहुत जल्दी आपंट भिडियो नहीं आसूँ। जय जगन्नाथ।